बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास फोर सोशल स्टडी हम आज शुरू करेंगे, और सोशल स्टडी में हम करेंगे सबसे पहले यूनिट नंबर फाइव कल्चर। यूनिट नंबर फाइव का चैप्टर नंबर वन कल्चर, जो कि पेज नंबर 41 पर है। पेज नंबर 41 पर कल्चर चैप्टर, कल्चर, नेशन एंड नेशनैलिटी। एवरी नेशन लव्स इट्स सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हर कौम अपनी तहजीब और सकाफत से प्यार करती है। कल्चर मीन्स द आइडियाज, कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। सकाफत का मतलब है ख्यालात, रस्म व रिवाज और मुआशी रवैया ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, एक ख़ास किस्म के मुआशरे का। कल्चर इज़ आल्सो द वे ऑफ लाइफ। कल्चर जो है, सकाफत जो है, वो ज़िंदगी का एक तरीका है। लैंग्वेज, ज़ुबान, ड्रेस स्टाइल, लिबास पहनने के स्टाइल, फूड, खुराक, रिलीजियस बिलीव्स, मजहबी अकीदे, कस्टम्स, रस्म व रिवाज एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी, और रिवायात उन लोगों की जो एक मुआशरे में रहते हैं। नेशन इज़ अ स्टेबल कम्युनिटी ऑफ पीपल। नेशन एक कौम जो है, वो एक उम्दा मुआशरा है लोगों का। सच अ कम्युनिटी इज़ फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज। ऐसा मुआशरा जो है, वो शक्ल होती है बुनियादी किस्म की, आम जुबान की, टेरिटरी, इकोनॉमिक लाइफ और एथनिक। टेरिटरी नस्ली और फिर मुआशरी जितने भी जिंदगी है, या फिर एथनेटिक, या फिर नस्ल दर नस्ल जो सिलसिले चले आते हैं। अ नेशन इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल। कौम जो है, वो बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद होती है। लिविंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट, जो एक ख़ास रियासत में रहते हैं। अ नेशन इज़ यूनाइटेड बाई कॉमन हिस्ट्री। कौम जो है, वो इकट्ठी होती है जो मुश्तरका जो तारीख है, उसमें, कल्चर, सकाफत और लैंग्वेज या फिर ज़ुबान में। पाकिस्तानीज आर आर नेशन लिविंग इन पाकिस्तान। हम पाकिस्तानी जो कि एक कौम हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। वी आर यूनाइटेड बाय आवर कॉमन हिस्ट्री। हम मुत्तहिद हैं अपनी मुश्तरका तारीख में, कल्चर, सकाफत में एंड लैंग्वेज और ज़ुबान में, जो कि हमारी उर्दू है। नेशनैलिटी, कौमियत। नेशनैलिटी इज़ अ रिलेशनशिप। कौमियत एक रिश्ता है बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ स्टेट, एक फ़र्द और रियासत के दरमियान। इट इज़ अ स्टेटस ऑफ बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर नेशन। और फिर ये बयान किया जाता है, ताल्लुक बयान करता है किसी एक खास कौम से। रीजंस फॉर हैविंग प्राइड इन बीइंग अ पाकिस्तानी। पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र की वजह। वी आर पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी नेशनल, पाकिस्तानी कौम है। एंड वी आर प्राउड ऑफ बीइंग पाकिस्तानी, और हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। देयर आर न्यूमरस रीज़न फॉर हैविंग प्राइड इन बीइंग अ पाकिस्तानी। बहुत से ज़्यादा वजूहात हैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से। वी आर पीस कीपिंग नेशन। हम अमन कायम रखने वाली कौम हैं। सिंस 1960 से पाकिस्तान हैज़ प्लेड अ मेजर रोल। पाकिस्तान का सबसे बड़ा किरदार है इन UN पीस कीपिंग ऑपरेशन। UN यूनाइटेड नेशन का जो अमन बरकरार रखने का ऑपरेशन है, उसमें आवर ट्रूप्स हैव टेकन पार्ट इन मोर दैन 40 मिशंस अक्रॉस 23 कंट्रीज़। हमारी फौजें जो हैं, वो तकरीबन 23 मुल्कों में 40 से ज़्यादा मिशन में हिस्सा ले चुकी हैं। एंड मैनी टाइम्स वी हैव बीन द टॉप मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग कंट्री। और तकरीबन बहुत दफ़ा हम लोग जो है, हिस्सा लेने वाले मुल्कों में सबसे टॉप पर हैं, सबसे ऊँचे हैं। आवर एग्जिस्टेंस, पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री डैट केम इन टू बींग ऑन द बेसिस ऑफ एन आइडियोलॉजी। हमारा जो वजूद है, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो एक नजरिए की बुनियाद पर कायम किया गया। वी वेलकम अदर्स, हम दूसरों को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान इज़ द वर्ल्ड सेकेंड टॉप रिफ्यूजी होस्टिंग कंट्री। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जो कि मुहाजरीन को पनाह देता है। आवर इंटेलेक्ट, पाकिस्तानी इज़ रैंक नंबर 4 वर्ल्ड वाइड इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। यानी कि हमारी खुफिया एजेंसी जो है, वो दुनिया में चौथे नंबर पर है। We are charitable nation. Among others, so many charitable organization. दूसरों की तरह हमारी भी बहुत ज़्यादा खैराती तंजीमें हैं, जिनमें ईदी एम्बुलेंस सर्विस, ईदी एम्बुलेंस खिदमत इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट चैरिटी एम्बुलेंस सर्विस। दुनिया की सबसे बड़ी जो है, वो खैराती एम्बुलेंस है। अब वो आर्किटेक्ट,
Karakoram Highway, Silk Routes, जिसको हम कहते हैं, is considered to be one of the 8 wonders of the world. Karakoram Highway दुनिया के तकरीबन 8 अजूबों में से एक है. Tarbela Dam is the world's largest earth-filled dam. Tarbela Dam दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जो कि पानी से भरा हुआ है. पाकिस्तान has the largest canal system in the world. पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है. Agricultural products. Pakistan is one of the biggest producer and suppliers of food and crops internationally. Pakistan duniya ka sabse bada paida karne wala khuraak aur phir muhayya karne wala of khuraak aur faslon ka puri duniya mein, yani ke bain al qawami taur par Pakistan duniya mein sabse pehle number par hai. Pakistan is at number 8 in farm output. Pakistan jo hai wo number 8 par hai khet wagaira ugane mein. Pakistan produces the best quality rice in the world. Pakistan jo hai wo duniya ke सबसे बेहतरीन किस्म के चावल जो है वो पैदा करता है. पाकिस्तान इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री. पाकिस्तान दुनिया में पांचवें नंबर पर है दूध पैदा करने के मामले में. Our philanthropist, our great philanthropist have earned great name and fame in the world. हमारे बहुत अच्छे जो philanthropist हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया. Philanthropist कहते हैं आदम दोस्त, यानी कि लोगों के साथ, आदमियों के साथ जो है वो दोस्ती करने वाले, जिनमें अब्दुल सत्तार ईदी, अंसार बर्नी, डॉक्टर रुथ फाओ और रमज़ान चीपा, ये चार जो हैं वो हमारे philanthropist हैं. Our great philanthropist have earned great name. इन्होंने बहुत नाम कमाया एंड फेम और मशहूर हुए इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. Our sports persons, our world class players of cricket, हमारी दुनिया के बेहतरीन players जो हैं cricket के, hockey के, squash, etc. और our pride, ये सब के सब हमारा फ़ख्र हैं, जिनमें इमरान खान, जहांगीर खान, इमरान खान cricket के, जहांगीर खान squash का, hockey का शहनाज़ शेख और chess के जो है महमूद लोधी. उसके बाद है our charming landscape. The northern areas and many other beautiful landscape, शुमाली इलाके और बहुत से दूसरे जो खूबसूरत ज़मीन पर पाए जाने वाली जो हैं शकाल हैं ऑफ पाकिस्तान, हैव अमेजिंग नेचुरल ब्यूटी. पाकिस्तान जो है वो उनमें सबसे खूबसूरत जो है वो कुदरती खूबसूरती रखने वाला है. जी क्लास, तो अब इसके बाद जो है वो हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं. यूनिट नंबर 5 कल्चर, चैप्टर नंबर 1 कल्चर, नेशन एंड नेशनैलिटी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज द आइडेंटिटी ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ सोसाइटी. नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म नेशन. अ नेशन इज अ स्टेबल कम्युनिटी ऑफ पीपल दैट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, टेरिटरी, इकोनॉमिक लाइफ. हाउ अ नेशन इज फॉर्म्ड? इट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, टेरिटरी, इकोनॉमिक लाइफ. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज नेशनैलिटी? इट इज रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ स्टेट. क्वेश्चन आंसर मुकम्मल करने के बाद अब फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ आते हैं. अ नेशन इज़ अ यूनाइटेड बाय डैश हिस्ट्री, कल्चर और लैंग्वेज कॉमन. नंबर 2, वी पाकिस्तानीज हैव कॉमन लैंग्वेज डैश उर्दू. नंबर 3, डैश इज़ द आइडेंटिटी ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, कल्चर. नंबर 4, डैश ट्रूप्स हैव टेकन पार्ट इन मोर देन 40 पीस कीपिंग आवर. 5, पाकिस्तानीज रैंक नंबर 4 वर्ल्ड वाइड इन टर्म्स डैश इंटेलिजेंस. पाकिस्तान इज एट नंबर डैश इन फॉर्म आउटपुट नंबर 8. फिर चूज द राइट ऑप्शन. इट इज़ अ स्टेबल कम्युनिटी ऑफ पीपल, अ ग्रुप, अ सोसाइटी, अ नेशन. नेशन, अ नेशन इज अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर सिटी, स्टेट, प्रोविंस, स्टेट. नेशनैलिटी इज द स्टेटस ऑफ बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर नेशन, ग्रुप, पार्टी, नेशन. पाकिस्तान इज द फिफ्थ, सेवंथ, थर्ड. पाकिस्तान इज द फिफ्थ लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री. नंबर 5, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम, मंगला, वर्सक, तरबेला. री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आफ्टर मेकिंग दैम करेक्ट. नेशनैलिटी इज आइडेंटिफाई पीपल लिविंग टुगेदर, कल्चर इज आइडेंटिफाई ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर. नेशनैलिटी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट. नेशनैलिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द स्टेट. नेक्स्ट, नंबर 3, पाकिस्तान इज द वर्ल्ड्स फोर्थ टॉप रिफ्यूजी होस्टिंग कंट्री. पाकिस्तान इज द वर्ल्ड सेकेंड टॉप रिफ्यूजी होस्टिंग कंट्री. नंबर 4, पाकिस्तान इज द सिक्स लार्जेस्ट कंट्री इन फार्म आउटपुट. पाकिस्तान इज द एट्थ लार्जेस्ट कंट्री इन फार्म आउटपुट. अब्दुल सत्तार ईदी वॉज अ फेमस पॉलिटिशियन. अब्दुल सत्तार ईदी वॉज अ फेमस फिलानथ्रोपिस्ट. मैच द कॉलम. एन आइडियोलॉजिकल कंट्री पाकिस्तान,
world's second top refugee, Pakistan. It is a relationship between an individual and a state, Karakoram Highway, on the eight wonders. It is a relationship between an individual and state nationality, one of the eight wonders, Karakoram Highway. Next, look at the pictures of a personality and write their names. Dr. Ruth Rao Fau, Imran Khan, Ramzan Cheepa, Ansar Birni, Jahangir Khan and Mehmood Lodi. जी क्लास, तो ये था हमारा चैप्टर. अब इसके बाद जो है वो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं. यूनिट नंबर 6. अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करते हैं. यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6 नेचर का चैप्टर नंबर 2 वेदर एंड क्लाइमेट, जो कि पेज नंबर 53 पर है. तो पेज नंबर 53 पर जो है वो हम इसकी रीडिंग करते हैं. वेदर एंड क्लाइमेट. जी, वी ऑफन सी द चेंजिंग बिहेवियर ऑफ एनवायरनमेंट. हम अक्सर माहौल के रवैये में बहुत सी तब्दीलियाँ देखते हैं. एक्चुअली असल में इट इज़ अ वेदर, ये मौसम है, विच शोज द चेंजेस इन एटमोसफेयर, जो कि माहौल में जो है वो तब्दीलियाँ जाहिर करता है. वेदर, वेदर इज़ द वे द एटमोसफेयर इज़ बिहेविंग. वेदर मौसम ही जो है जो माहौल में तब्दीलियाँ पैदा करने का एक तरीका है. वेदर कंसिस्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म. वेदर जो है वो बहुत छोटे वक्त पर मुश्तमिल होता है चेंजेस इन एटमोसफेयर, जो कि माहौल में तब्दीली लाता है. वेदर कैन चेंज फ्रॉम, मौसम जो है वो तब्दील हो सकता है मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, डे टू डे एंड सीजन टू सीजन, यानी एक मिनट से दूसरे मिनट तक, घंटा टू एक घंटे से दूसरे घंटा, दिन ब दिन और सीजन टू सीजन, एक मौसम से दूसरे मौसम में ये चेंज हो सकता है. अब आते हैं हम क्लाइमेट की तरफ. क्लाइमेट मीन्स द वेदर कंडीशन. क्लाइमेट का मतलब होता है मौसम की सूरत हाल प्रिवेलिंग इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जो कि लंबे अरसे तक एक इलाके में होती है. वी कैन से दैट क्लाइमेट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेदर. हम कह सकते हैं कि आबोहवा जो है वो मौसम की तकसीम है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे अरसे पर. डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, फ़र्क करना है मौसम और आबोहवा में. द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज़ अ मेजर ऑफ टाइम. मौसम और आबोहवा में फ़र्क जो है वो वक्त का मापना है. व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, जब हम ये बात करते हैं कि आबोहवा बदल गई है, वी टॉक अबाउट चेंजेस इन लॉन्ग टर्म एवरेजेस ऑफ डेली वेदर, तो फिर इसका मतलब है कि हम लंबे अरसे तक मौसम की चेंजिंग के बारे में बात करते हैं. अब आते हैं हम वेदर की तरफ. टाइम पीरियड, वेदर का जो टाइम पीरियड है, इट इज़ मेजर्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, ये बहुत थोड़े वक्त के लिए होता है. स्टडी, द स्टडी ऑफ वेदर, यानी कि मौसम का जो मुतालिया है, इस कॉल्ड मेट्रोलॉजी, उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं. कंपोनेंट्स, इट इंक्लूड्स सनशाइन, इसमें सूरज की रोशनी, हवा, क्लाउड कवर्स, ढके हुए बादल जो हैं, रेन, बारिश, स्लीट, हेल, ओले बरसना, स्नो, फिर उसके बाद बर्फ़ का होना, थंडर स्टॉर्म, गरज बरस होना, बारिश का फ्लड, फिर उसके बाद सैलाब, हीट वेव्स और गर्म शुआएँ वगैरह. फोरकास्टिंग, इसकी पेशवानी, इट इज़ पेशबीनी, इट इज़ फोरकास्ट बाय कलेक्टिंग मेट्रोलॉजिकल डाटा. ये जो है इसकी पेशबीनी होती है जमा करके मेट्रोलॉजिकल डाटा, जितना भी होता है ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े वक्त के लिए. फिर नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट, यानी कि टाइम पीरियड. क्लाइमेट का टाइम पीरियड जो है, इट इज़ मेजर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, ये जो है लंबे अरसे के लिए मापा जाता है. स्टडी, द स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज़ कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी, फिर उसके बाद है आबोहवा का जो मुतालिया है, उसको क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं. कंपोनेंट्स, इट इंक्लूड्स द एवरेज ऑफ सनशाइन, इसमें जो है वो सूरज की रोशनी, ह्यूमिडिटी, नमी, टेम्परेचर, प्रिसिप्शन, बारिश, विंड, वेलोसिटी, हवा का चलना एंड अदर मेजर्स ऑफ अ वेदर, और फिर मौसम के दूसरे माप वगैरह ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे अरसे तक. फॉरकास्टिंग, इट इज़ फॉरकास्टिंग फॉर बाय स्टडी, ये पेशबीनी होती है इसकी मुतालिया करने से एवरेज वेदर डाटा, मौसम का जितना भी डाटा है उसकी एवरेज मालूम करने में ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, तकरीबन 30 साल के अरसे तक. फैक्टर इफेक्टिंग द वेदर, अब वो फैक्टर, वो उनसर जो कि मौसम को मौसम पर असरअंदाज होते हैं. देयर आर मैनी फैक्टर्स डैट इन्फ्लुएंस वेदर, बहुत से उनसर हैं जो कि मौसम पर असरअंदाज होते हैं. मैनी ऑफ विच वी कैन नॉट सी, जिनमें से हम कुछ नहीं देख सकते. सम मेन फैक्टर्स डैट इफेक्ट्स द वेदर आर दीज, कुछ खास किस्म के फैक्टर्स जो हैं वो मौसम पर असरअंदाज होते हैं, यानी कि सोलर डिस्टेंस, शमसी फासला, अर्थ डिस्टेंस फ्राम द सन चेंजेस थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट, सूर्य, ज़मीन का फासला सूरज से
तब्दीलियाँ लाता है थ्रू इट्स ऑर्बिट इसके मदार की वजह से. दिस चेंज इन डिस्टेंस, ये जो तब्दीली है फासले में, क्रिएट्स अप टू 4 degree फ़ारेनहाइट टेम्परेचर. ये जो तब्दीली है ये तकरीबन पैदा होती है 4 degree फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत से, डिफरेंस बिटवीन द क्लोजेस्ट एंड फार्थेस्ट पॉइंट्स, और फिर ये फ़र्क करती है करीब और दूर के इशारे की तरफ. दिस अप टू 4 degree फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, ये तकरीबन 4 degree फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत से ऊपर डिफरेंस फ़र्क करती है इफ़ेक्ट वेदर एंड इफ़ेक्ट वेदर वेरिएबली, यानी कि मौसम में जो तब्दीलियाँ होती रहती हैं उस पर. वाटर प्रेजेंस, पानी की मौजूदगी. ड्यू टू सोलर रेडिएशन, शमसी शुआओं की वजह से वाटर इवेपोरेट, पानी जो है वो उठता है, बुखारात बनकर उठता है फ्रॉम वाटर बॉडीज, पानी की इकसाम से इवेपोरेटिंग वाटर. जब जितना भी पानी जो है वो बुखारात बनकर उठता है फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, फिर वो मुख्तलिफ किस्म के बादल, क्लाउड्स इफेक्ट्स द वेदर, और बादलों में तब्दील हो जाता है, और फिर क्लाउड्स इफेक्ट्स द वादर और वेदर, और फिर ये जितने भी हैं बादल हैं ये मौसम पर असरानंदाज होते हैं. मोर ओवर प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर, तकरीबन ज़्यादातर पानी की मौजूदगी हवा में आल्सो इफेक्ट्स द वेदर, ये भी मौसम को जो है वो बहुत ज़्यादा असर अंदाज होती है. फिर लैटिट्यूडनल लोकेशन अर्थ पर जो है वो लोकेशन जो है आवर लोकेशन ऑन द अर्थ, ज़मीन पर हमारी लोकेशन आल्सो इफेक्ट्स द वेदर, ये भी मौसम पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होती है. एट द इक्वेटर वेदर डज नॉट चेंज मच, अब इक्वेटर वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, तब्दील नहीं होता. अवे फ्राम द इक्वेटर, इक्वेटर से काफ़ी दूरी पर वी ऑब्जर्व ग्रेट चेंजेस इन वेदर, अगर हम इक्वेटर से दूर चले जाएं तो हम लोग ये जायज़ा ले सकते हैं कि मौसम में बहुत सी तब्दीलियां होती हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एयर प्रेशर. एयर प्रेशर आल्सो इफेक्ट द वेदर, हवा का प्रेशर जो है वो भी मौसम को बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है. एज़ यू नो एयर मूव्स फ्राम हाई प्रेशर, जैसा कि आप जानते हैं कि हवा जो है वो इधर उधर हरकत करती है हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर एरिया से टू लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में. दिस कॉज विंड, और फिर ये जो है हवा की वजह बनती है. मोर ओवर ज़्यादातर व्हेन प्रेशर इज़ लो, जब प्रेशर बहुत लो होता है एयर राइजेज, हवा जो है वो होती है, विच कॉज मॉइस्चर एकमुलेशन इन एटमोसफेयर, जो कि हवा में नमी की वजह बन जाती है. मॉइस्चर एकमुलेशन फॉर्म्स क्लाउड्स, अब ये जितनी भी नमी है ये बादलों की शक्ल बन जाती है. विच देन प्रोड्यूस रेन एंड स्नो, और फिर जो बाद में पैदा करती है बारिश या फिर बर्फ. अब नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर. टेम्परेचर इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेट इज़ इन द एयर, दर्जा हरारत जो है वो एनर्जी की हरारत, एनर्जी की जो है वो एक मकदार है डेट इज़ इन द एयर, जो हवा में मौजूद होती है. टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर, दर्जा हरारत जो है वो पैदा करता है असल मकदार पानी की, वाटर वेपर दर्जा हरारत की रिप्रेजेंट इन द पानी के वो कतरे जो कि हवा में मौजूद होते हैं, दर्जा हरारत उनकी असल मकदार के बारे में बताता है. इट इज़ टेम्परेचर डैट डिसाइड, ये दर्जा हरारत ही है जो फैसला करता है द मॉइस्चर, यानी कि जितनी भी नमी है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर जो कि हवा में होती है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन, फिर उसके बाद दर्जा हरारत की जितनी भी मकदार है, द रेट ऑफ कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन की जितनी भी मकदार होती है. टेम्परेचर इफेक्ट्स द नेचर एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रीसेप्शन, टेम्परेचर जितनी भी है वो असर करता है फितरत पर एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स फॉर्मेशन, और बादलों की शक्ल बनने पर एंड प्रेसिपिटेशन, और फिर बारिश की. जी क्लास, तो अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. एक्सरसाइज में हम करेंगे यूनिट नंबर 6 नेचर का चैप्टर नंबर 2 वेदर एंड क्लाइमेट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज क्लाइमेट. क्लाइमेट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्वेश्चन नंबर 2, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर मेजर्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, इट्स स्टडी इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी, और क्लाइमेट मेजर फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, इट्स स्टडी इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी. एंड लिस्ट द फैक्टर दैट इफेक्ट्स वेदर, आंसर सोलर डिस्टेंस, नंबर 2 वाटर प्रेजेंस. फिर नेक्स्ट लैटिट्यूडनल इक्वेशन, एयर प्रेशर टेम्परेचर. नंबर 4, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इन इवेपोरेशन प्रोसेस. ड्यू टू सोलर रेडिएशन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम वाटर बॉडीज. अब नेक्स्ट है हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स. द फास्ट मूविंग डैश इज कॉल्ड विंड एयर. अ डैश इज अ डिवीजन ऑफ द ईयर मार्क्ड बाय चेंजेस इन वेदर सीजन. द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज अ मेजर ऑफ डैश टाइम. एट द डैश वेदर डज नॉट चेंज मच इक्वेटर. फिर राइट ट्रू फॉल्स. द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी.
क्रॉस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन चेंजेस टू आउट इट्स ऑर्बिट टिक वेदर मीन्स द वेदर कंडीशन प्रिवेलिंग इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड क्रॉस वेदर कंसिस्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म चेंजेस इन एटमोसफेयर टिक फिर उसके बाद है मैच द कॉलम्स इट इज द वे द एटमोसफेयर इज बिहेविंग वेदर इट इज मेजर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड क्लाइमेट इट इज अ स्टडी ऑफ वेदर मेट्रोलॉजी इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट द अर्थ जी क्लास तो हमारा ये चैप्टर जो है ये क्लोज हो चुका है अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी क्लास फोर यूनिट नंबर सेवन का चैप्टर नंबर वन यूनिट नंबर सेवन का नाम है पॉपुलेशन और इसके चैप्टर नंबर वन है पॉपुलेशन एंड सेंसस तो इसकी ये पेज नंबर 57 पर है इसकी अब हम रीडिंग करते हैं पॉपुलेशन इज़ द नंबर ऑफ पीपल इन अ टाउन आबादी जो है वो लोगों की तादाद है एक टाउन में सिटी शहर में रीजन इलाके में कंट्री मुल्क में और वर्ल्ड या दुनिया में पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड पूरी दुनिया की आबादी इज़ कॉल्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन पूरी दुनिया की आबादी को वर्ल्ड पॉपुलेशन कहा जाता है देयर आर मोर देन 7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड तकरीबन 7 बिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो दुनिया में मौजूद हैं सेंसस मरदमशुमारी हाउ डू वी कम टू नो हम कैसे जानेंगे अबाउट द नंबर ऑफ पीपल इन एनी रीजन और कंट्री लोगों की तादाद के बारे में किसी भी मुल्क या इलाके में इट इज सेंसस ये मर्दमशुमारी है विच हेल्प अस जो हमारी मदद करती है पॉपुलेशन इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सेंसस आबादी जो है वो अमूमन तायुन करती है एक अमल का कॉल्ड सेंसस जिसको कि हम मर्दमशुमारी कहते हैं फिर उसके बाद है अ सेंसस इज अ प्रोसीजर ऑफ इक्वायरिंग एंड रिकॉर्डिंग मर्दमशुमारी जो है वो एक ऐसा अमल है जिसमें आप इंक्वायरी करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ किस्म की इतला को अबाउट द मेंबर्स ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन आपको जो कि आबादी जो कि लोगों की आबादी के बारे में या लोगों की तादाद के बारे में बताई जाती है अ सेंसस इज एन ऑफिशियल अकाउंट ऑफ अ पॉपुलेशन मर्दमशुमारी जो है वो एक सरकारी अकाउंट है आबादी का इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ये अमल है ऑफ कलेक्टिंग जमा करने का शुमार करने का एनालाइजिंग तजिया करने का कंपाइल जमा करने का एंड पब्लिशिंग डाटा और डाटा शाया करने का इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंसस मर्दमशुमारी की अहमियत सेंसस इज़ ऑफ टू मच इम्पॉर्टेंस मर्दमशुमारी की बहुत ज़्यादा अहमियत है इट प्रोवाइड्स कम्प्रीहेंसिव डाटा ऑन द होल पॉपुलेशन ये हमें जो है वो एक कम्प्रीहेंसिव डाटा जो है वो मुहैया करती है पूरी आबादी का इट हेल्प अस स्टडी सोशल फिनोमेना और सोशल फिनोमेना यानी कि मुनाशिफ फिनोमेना के बारे में भी हमें पता चल जाता है इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन ऑन हाउसिंग यूनिट्स एज वेल एज देयर फैसिलिटीज़ ये हमें घर में रहने वाले अफराद के बारे में और उनकी सहूलियात के बारे में बताती है इट एक्सप्लोर्स द लिविंग कंडीशन ऑफ द पॉपुलेशन और फिर ये जो है वो वाजे करती है रहने की सूरत हाल को आबादी की इट डज नॉट वर्क ऑन एस्टिमेट्स ये एक अंदाजे के मुताबिक काम नहीं करती इट गिव्स प्रीसाइज डाटा ये जो है जितना भी है प्रीसाइज डाटा देती है यानी कि ठीक ठीक डाटा जो है ये मुहैया करती है इट प्रोवाइड्स डाटा ये डाटा मुहैया करती है फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स सेहत और तलीमी सेक्टर्स पे फिर नेक्स्ट इट प्रोवाइड्स डेटा फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स द एस्पेक्ट्स ऑफ फर्टेलिटी फिर जहेजी के जितने भी पहलू हैं मोर्टेलिटी जहेजी से मुराद यहाँ पर यानी कि बच्चों के पैदा होने के जितने भी पहलू हैं मोर्टेलिटी अमवात के जितने भी पहलू हैं एंड माइग्रेशन और हिजरत के आर अंडरस्टूड थ्रू सेंसेस इन सब के बारे में जो है वो मर्दमशुमारी के बारे से पता चल जाता है इट गाइड्स द गवर्नमेंट इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर ये हुकूमत की बहुत रहनुमाई करती है मुस्तकबिल के लिए इट इज़ यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग इकोनॉमिक्स एंड सोशल एक्टिविटीज़ ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बढ़ाने के लिए मौशी और इकोनॉमिक मौशियत और मौशी जो जितनी भी सरगर्मियाँ हैं उनके लिए इट इज़ यूज फॉर डिवेलपमेंट प्लानिंग पर्पज़ ये जितने भी मनसूबा बंदी के जितने भी मकासद होते हैं ये उनका तयन करती है इट इज़ यूज फॉर रिसर्च एंड इकोनॉमिक्स पर्पज़ ये बहुत फ़ायदेमंद होती है तहकीक के लिए और मस्जिद के जितने भी मकासद हैं उनके लिए द रोल एंड सोशल पोजीशन ऑफ वूमेन फिर उसके बाद किरदार और जितनी भी मौशी सूरत हाल है औरतों की इज आल्सो आइडेंटिफाइड थ्रू सेंसिस इन सब क्या थ्रू सेंसिस यानी कि मर्दमशुमारी के जरिए पता चल जाता है फर्टेलिटी मीन्स इट द नेचुरल कैपेबिलिटी द प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग नेचुरल यानी कि कुदरती तौर पर ऐसी खसूसियात जिसमें कि आप औलाद पैदा कर सकें मोर्टेलिटी मीन्स द नंबर ऑफ डेथ मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि अमवात की तादाद विद अ पर्टिकुलर सोसाइटी खास मुआशे में एंड विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो कि एक खास वक्त में होती है
जी क्लास, एक्सरसाइज की तरफ अब हम बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ पीपल इन अ टाउन, सिटी, रीजन, कंट्री और वर्ल्ड। नंबर टू, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ल्ड पॉपुलेशन? पॉपुलेशन ऑफ एंटायर वर्ल्ड इज कॉल्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन। व्हाट इज सेंसस? Population is determined by a process called census. Number four, what is the link between population and the census? A census is an official account of people, while population is the number of people. अब आते हैं हम इसकी filling the blanks की तरफ। Population of the entire dash is called world population. World. There are more than 7 billion people in the world. A census is an official account of population. Total population of Pakistan is 20,77,74,520. Census provided data for health and education sectors. Okay. Tick false, 3 out of 5 statements are true and remaining are false. Tick for true statement and cross for false statement. Population is the number of people in a town, city, region, country or world. Tick. A census is a procedure of acquiring and recording information about the number of given population. Tick. Number three, a census is an unofficial account of a population. Cross. Number four, usually census is conducted after every 15 years. Cross. Census gives us information on housing units as well as their facilities. Tick. Up next, match the column. Column A. Demography. It deals with the study of human population. फिर उसके बाद है नेक्स्ट, पॉपुलेशन इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय दिस प्रोसेस सेंसस। फिर सेंसस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग डाटा। 1 बिलियन, 1 अरब। फिर उसके बाद है द सिक्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान। अब नेक्स्ट है चूज द राइट ऑप्शन। डैश इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ टाउन, सिटी आर कंट्री पॉपुलेशन। नंबर टू, अ सेंसस इज एन डैश अकाउंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफिशियल। नंबर थ्री, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग डाटा, सेंसस। सेंसस एक्सप्लोर्स द एक्टिव कंडीशंस ऑफ द पॉपुलेशन, लिविंग कंडीशन ऑफ द पॉपुलेशन, नॉन लिविंग कंडीशन ऑफ द पॉपुलेशन। ये है लिविंग कंडीशन ऑफ द पॉपुलेशन। 1 बिलियन इज इक्वल टू बी ऑप्शन। जी, जी क्लास, तो चैप्टर यूनिट नंबर 7 का चैप्टर नंबर 2 पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डे टाइम एंड नाइट टाइम पॉपुलेशन, जो कि पेज नंबर 61 पर है। पॉपुलेशन इन अ रीजन इज अनइवन। एक इलाके में जो आबादी है वो ना हमवार है। सम एरियाज हैव हाई पॉपुलेशन, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी होती है, वाइल अदर्स हैव लो पॉपुलेशन डेंसिटी, जबकि बहुत से इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत कम आबादी होती है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन यानी कि आबादी की तकसीम। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द पैटर्न ऑफ वेयर पीपल लिव। पॉपुलेशन यानी कि आबादी की तकसीम का मतलब है एक ऐसा नमूना जहाँ पर लोग रहते हैं। इट इज़ एक्चुअल अरेंजमेंट और स्प्रेड ऑफ पीपल इन अ गिवन एरिया। ये असल तरतीब होती है या फैलाना होता है ऑफ पीपल इन एन गिवन एरिया, इन अ गिवन एरिया, लोगों का एक खास इलाके में। फिर उसके बाद है पॉपुलर पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया। आबादी का फैलना एक अंदाज़ा होता है ऑफ द नंबर ऑफ पीपल, लोगों की तादाद का, इन एन एरिया, एक इलाके में। इट इज़ एन एवरेज नंबर, ये एक अंदाजतन नंबर है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल बाय एरिया, और फिर ये शुमार किया जाता है बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल, लोगों की तकसीम करने से बाय एरिया, इलाके में। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ पीपल ओवर एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ यूजुअली शोन एज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। आबादी की जितना भी अमूमन आबादी को जाहिर करना, लोगों की तादाद को जो है वो किसी आबादी में जाहिर करना, वो इस तरह से होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आप उससे जाहिर करते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, देयर आर मेनी फैक्टर दैट इफेक्ट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। बहुत से उनसर हैं जो कि आबादी, बहुत ज़्यादा आबादी पर इफेक्ट होते हैं, असरअंदाज होते हैं। दीज फैक्टर्स आर नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर। इनमें से कुछ कुदरती हैं और कुछ जो हैं वो इंसानी उनसर हैं। नेचुरल फैक्टर्स इंक्लूड्स, कुदरती उनसर में शामिल है नंबर 1 शेप एंड हाइट ऑफ लैंड, शेप यानी कि अशकाल और ज़मीन की ऊंचाई। नंबर 2 क्लाइमेट, और नंबर 3
रिसोर्सेज, लो एंड फ्लैट एंड एज हाई पॉपुलेशन, नीची और सीधी ज़मीन जो है उसमें ज़्यादा आबादी होती है इंडस प्लेन इन पाकिस्तान, जैसे कि सिंध का जो है वो इलाका है, हाई एंड अनइवन लैंड, फिर उसके बाद ऊंचा और ना हमारी ज़मीन हैज़ लो पॉपुलेशन डेंसिटी, ऊंची और ना हमारी ज़मीन में बहुत कम आबादी होती है जिसमें कि माउंटेन लैंड्स यानी कि पहाड़ी ज़मीन शामिल है, लैंड रिच इन रिसोर्सेज, अब वो ज़मीन जो कि ज़राए से भरी होती है जिनमें कोल, कोयला, ऑयल, तेल, वुड, फिर उसके बाद लकड़ी, फिशिंग और फिर मछलियाँ वगैरह जिस ज़मीन में पाई जाती हैंज़ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा लैंड विद फ्यू रिसोर्सेज, ऐसी ज़मीन जो कि चंद एक ज़राए से भरी होती है, हैज़ लो पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पर बहुत कम आबादी होती है, लैंड विद टेम्परेचर क्लाइमेट्स और फिर ऐसी ज़मीन जहाँ पर आबोहवा का जो दर्जा हरारत है हैज़ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आबादी होती है जिसमें कि प्लेचूस एंड फर्टाइल प्लेन्स यानी कि जहेजी ज़मीन जो होती है जहेज करने वाली, लैंड विद एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हैज़ लो पॉपुलेशन डेंसिटी डेजर्ट्स, ज़मीन यहाँ का जहाँ की आबोहवा बहुत ज़्यादा शदीद होती है हैज़ लो पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ पर जो है वो बहुत कम आबादी होती है जिसमें कि डेजर्ट शामिल है। फिर नेक्स्ट है ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स इफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्लूड्स, ह्यूमन फैक्टर्स में यानी कि इंसानी अंसर में जो है इफ़ेक्ट करती है आबादी जो इफ़ेक्ट करती है उसमें है इकोनॉमिक फैक्टर्स, पोलिटिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, कंट्रीज विद स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंडीशन, ऐसे ममालिक जिनकी के मौशी सूरत हाल बहुत बेहतर होती है, हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, उनकी आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द कंट्री विद पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, अगर आप उनका मुकाबला ऐसे ममालिक के साथ करके देख लें जिनकी मौशी सूरत हाल बहुत बुरी होती है, कंट्रीज विद स्टेबल पोलिटिकल गवर्नमेंट और ऐसे ममालिक जिनकी सियासी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उमदा होती है बेहतर होती है have high population densities, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी होती है, while the countries with instable political system tend to have low population density, उन ममालिक की नस्बत जहाँ पर जो है सियासी सूरत हाल बहुत कम तर होती है, एथनिक ग्रुप्स नस्ली ग्रुप ऑफ पीपल लोगों के लिव क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के करीब रहते हैं एंड कॉज हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और फिर ये बहुत ज़्यादा आबादी की वजह भी बनते हैं, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ पीपल हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज प्रेफर टू बी आइसोलेटेड, लोगों की जो है वो मुख्तलिफ किस्म की आइडेंटिटीज यानी कि उनकी शनाख्त जो ऐसी है, ऐसे लोग जिनकी मुख्तलिफ शनाख्तें होती हैं वो भी अकेले रहना पसंद करते हैं। अब आते हैं डे टाइम पॉपुलेशन की तरफ, डे टाइम पॉपुलेशन मीन्स द नंबर ऑफ पीपल, सुबह के वक्त की आबादी से मुराद है ऐसे लोगों की तादाद हु आर प्रेजेंट इन एन एरिया, जो कि एक ऐसे इलाके में रहते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस आवर्स, जो कि उन्होंने मुख्तलिफ कारोबार में मुख्तलिफ घंटे इंक्लूडिंग वर्क्स, वो एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहां वो कुछ अरसे के लिए काम के लिए होते हैं या फिर कुछ घंटों के लिए होते हैं जिनमें वर्कर शामिल हैं। डे टाइम पॉपुलेशन डज नॉट मीन, डे टाइम पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं हाउ मैनी पीपल लिव इन अ प्लेस के लोग जो हैं वो एक जगह में कितने लोग रहते हैं, इट मीन्स हाउ मैनी पीपल गैदर देयर रेगुलरली ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, इसका मतलब ये है कि कितने लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं बाकायदगी से अपने काम के घंटों के लिए। फिर डे टाइम पॉपुलेशन इज़ इन कंट्रास्ट टू द रेजिडेंट पॉपुलेशन, फिर सुबह के वक्त की जो आबादी है उसका फ़र्क किया जा सकता है रेजिडेंट पॉपुलेशन के साथ रिहायशी आबादी के साथ, फिर रेजिडेंट पॉपुलेशन रिमेंस प्रेजेंट ड्यूरिंग द इवनिंग एंड नाइट टाइम आवर्स, फिर जो रिहायशी आबादी होती है उसको रिमेंस प्रेजेंट वो मौजूद होती है ड्यूरिंग द इवनिंग एंड नाइट टाइम आवर्स, वो शाम और रात के वक्त भी जो है वो मौजूद होते हैं जिनको हम रेजिडेंट पॉपुलेशन कहते हैं। नाइट टाइम पॉपुलेशन इज़ इन कंट्रास्ट टू द डे टाइम पॉपुलेशन, रात के वक्त की आबादी का फ़र्क जो है वो आप सुबह के वक्त की आबादी के साथ कर सकते हैं, इट इज़ द एक्चुअल लोकेशन ऑफ रेजिडेंस, ये असल लोकेशन है जो है रिहाइश की, इट इज़ एक्चुअल नंबर ऑफ़ पीपल विदाउट वर्किंग आवर्स आर एन ऑन हॉलीडे, ये इट इज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल, ये लोगों की असल तादाद होती है विदाउट वर्किंग आवर्स जो कि काम किए बगैर और ऑन हॉलीडे जो कि या फिर छुट्टी पे होते हैं, जो कि काम भी नहीं करते और छुट्टी पे भी होते हैं। डे टाइम पॉपुलेशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर, सुबह के वक्त की पॉपुलेशन जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है इन नंबर तादाद में दैन नाइट टाइम पॉपुलेशन, रात की आबादी के नस्बत। जी तो अब हम क्लासेस के आंसर क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर नंबर 2 के आंसर क्वेश्चंस हैं।
answer the following question. Number one, what do you mean by population distribution? Population distribution means the pattern of where people live. What is meant by population density? A measurement of the number of people in an area is called population density. Differentiate between population distribution and population density. Population distribution, it is the pattern of where people live, or population density, measurement of the number of people in an area. Number four, list the natural and human factor affecting population density. Natural factors, shape and height of land, climate, resources. Human factors, economic factors, political factors and social factors. Next, what is the daytime population? The number of people who are present in an area during normal business hours including workers. जी, तो अब आते हैं इसके filling the blanks की तरफ. Population distribution means the dash of where people live pattern. Dash density is the measurement of the number of people in an area population. Number three, dash factors are also called physical factors, natural. Number four, land with few resources have dash population density, low. Phir night time population is in contrast to the dash population, daytime population. Choose the right option. It is one of human factors, climate, resources, economic factors, economic factors. Number two, countries with stable political governments have high population density, B, low population density, or C, none of them, B. Number three, it is the most dense province of Pakistan, Sindh, Punjab, KPK, Punjab. Number four, it is the least dense populated province of Pakistan, Balochistan, C option. फिर नेक्स्ट है पुट ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. नंबर वन, नेचुरल फैक्टर्स इंक्लूड क्लाइमेट, शेप एंड हाइट ऑफ लैंड, रिसोर्सेज, ईटीसी, टिक. नंबर टू, ह्यूमन फैक्टर्स आल्सो इफेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, टिक. पाकिस्तान लाइज इन एक्सट्रीम क्लाइमेट जोन, क्रॉस. डे टाइम पॉपुलेशन डज नॉट मीन हाउ मैनी पीपल लिव इन अ प्लेस. जी क्लास, तो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं. जी क्लास, तो यूनिट नंबर 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 ग्लोब एंड मैप स्टार्ट करते हैं. आवर होम, हमारा घर, द अर्थ इज़ अ स्फीयर, वो गोल है, यानी कि गेंद की तरह, ज़मीन एक गेंद की तरह है. हमारा घर जो उसके ज़मीन है वो एक गेंद की तरह, इट इज़ सो लार्ज डैट वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ इट एट वंस. ये इतनी बड़ी है कि हम इसे एक बार नहीं देख सकते. अ मॉडल ऑफ द अर्थ हेल्प अस टू सी व्हाट द होल अर्थ लुक्स लाइक. ज़मीन का एक नमूना जो है वो हमारी मदद करता है व्हाट द होल अर्थ लुक लाइक, कि पूरी ज़मीन जो है वो कैसी नज़र आती है. अ ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ, और ग्लोब जो है वो ज़मीन का एक मॉडल है. द ग्लोब एंड मैप आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स टू स्टडी द अर्थ. ग्लोब और नक्शा जो है वो बहुत अहम आले हैं ज़मीन का मुताला करने के लिए. अ ग्लोब, अ ग्लोब इज़ अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब जो है वो एक गोल शक्ल है ज़मीन की. अ ग्लोब इज़ अ मिनी ग्लोब इज़ अ मिनिएचर फ्रॉम द अर्थ. ग्लोब जो है वो ज़मीन का पूरा एक नक्शा होता है. इट रिप्रेजेंट डिस्टेंस, जिसमें कि ये फासले, डायरेक्शन, सिमतें, कॉन्टीनेंट, बड़े आज़म, ओशन, समंदर और कंट्रीज, मुल्कों को जो है ये मुल्कों की पहचान करवाता है. अ ग्लोब हैज़ द सेम शेप एज द अर्थ. ग्लोब की शेप जो है वो बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि ज़मीन की. अ मैप, अ मैप इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड और सी. मैप जो है, जिसको नक्शा कहते हैं, ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, यानी कि लाइनों की तरह, ग्राफ की तरह जो है वो इसको, इसका नक्शा बनाया जाता है. फाइन एरिया, एक इलाके की, किसी इलाके की ज़मीन की या फिर समंदर की. इट शोज़ फिज़िकल फीचर्स, और फिर ये जिस्मानी फीचर्स जो हैं जिनमें कि सिटीज़, शहर और रोड्स वगैरह को जो है ये जाहिर करता है. इट इज़ अ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया. ये एक इलाके की विजुअल, यानी कि पूरे इलाके की विजुअल प्रेजेंटेशन होती है. इट इज़ रिप्रेजेंटेड ऑन अ फ्लैट सर्फेस, और ये सीधी ज़मीन जितनी भी होती है उसको रिप्रेजेंट करती है, उसकी पहचान दिलाती है. फिर नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन अ ग्लोब एंड अ मैप. मैप, इट गिव्स टू डायमेंशनल प्रेजेंटेशन, ये टू डायमेंशनल पर होता है. इट गिव्स प्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन रीजन्स इन द वर्ल्ड, और फिर ये उन इलाकों के बारे में बताता है जो कि और ये दुनिया के कुछ खास इलाकों के बारे में बताता है. अ मैप इज़ ईजी टू यूज़. मैप का, यानी कि नक्शे का इस्तेमाल करना बहुत आसान है एंड इज़ पोर्टेबल.
और बेहतरीन भी है. इट इज़ ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सर्फेस. ये जितनी भी सीधी ज़मीन होती है ये उसको ड्रॉ करता है, बनाता है. इट शोज़ आर डिस्ट्रॉयड व्यू, डिस्टोर्टेड व्यू. ये जितने भी डिस्टोर्टेड नज़ारे होते हैं उसको ज़ाहिर करता है. इट मे हैव मैनी गैप्स बिटवीन रीजन्स. और फिर ये बहुत ज़्यादा गैप्स जो हैं वो इलाकों के दरमियान को भी ज़ाहिर करता है. इट इज़ ईजियर टू आइडेंटिफाई रीजन्स इन अ मैप. और ये बहुत आसान होता है मैप से पहचान करना. अब आते हैं ग्लोब की तरफ. इट गिव्स अ थ्री डायमेंशनल प्रेजेंटेशन. और ये तीन तरह की प्रेजेंटेशन जो है वो देता है. इट गिव्स प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. ये पूरी दुनिया की प्रेजेंटेशन जो है वो देता है. अ ग्लोब इज़ नॉट ईजी टू यूज़ एंड पोर्टेबल. ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं है. इट इज़ राउंड इन शेप. ये जो शेप शक्ल होती है उसमें गोल होता है. इट शोज़ अ लेस डिस्टोर्टेड व्यू. और फिर ये बहुत कम जो है वो व्यूज़ जो हैं, नज़ारे जो हैं उनको पेश करता है. गैप्स आर नॉट सीन इन ग्लोब. ग्लोब में आप किसी भी किस्म का कोई गैप नहीं देखेंगे. इट इज़ नॉट ईजी टू आइडेंटिफाई रीजन्स ऑन ग्लोब. और ग्लोब के ऊपर जो है वो किसी भी इलाके को ज़ाहिर करना बहुत मुश्किल होता है. जी क्लास, तो अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं. चैप्टर नंबर वन, ग्लोब एंड मैप का क्वेश्चन नंबर वन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. डिफाइन ग्लोब. अ ग्लोब इज अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ. नंबर टू, व्हाट इज अ मैप. अ मैप इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया और ऑफ लैंड और सी. व्हाट इज अ 2D प्रेजेंटेशन. 2D, टू डायमेंशनल प्रेजेंटेशन मीन हैविंग टू डायमेंशन लेंथ एंड विड्थ. जी, अब आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ. द ग्लोब इज अ स्फेरिकल. द ग्लोब इज अ डैश ऑफ द अर्थ स्फेरिकल मॉडल. अ ग्लोब इज अ मिनिएचर फ्रॉम द डैश अर्थ. लैटिन वर्ड डैश मीन्स स्फीयर. ग्लोब्स. अ डैश इज ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सर्फेस मैप. अ ग्लोब गिव्स डैश डायमेंशनल प्रेजेंटेशन. 3. फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड हाफ आर फॉल्स. टिक और क्रॉस अकॉर्डिंगली. नंबर वन, जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट. टिक. Although the earth is a large but we can see all of it at once. Cross. Number 3, a map has the same shape on the earth. Cross. Number 4, a map is easy to use portable. Tick. Choose the right option. It is a graphical presentation of an area of land or sea. Map, globe, scale. Map. A globe shows 2D presentation, 3D presentation, both A and B. 3D presentation. Number 3, it shows distorted views. A, globe. B, map. C, both A and B. Number 4, which one is more accurate? A globe, a map, both A and B. A map. Ab next hamara column hai. It is the miniature form of the earth. जी, इसको ग्लोब के साथ हम लोगों ने कर देना है. इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया. मैप. फिर इसको हम लोगों ने, इट शोज़ 3D प्रेजेंटेशन. फिर नेक्स्ट है हमारा मैप. इट शोज़ 2D प्रेजेंटेशन. और नेक्स्ट है हमारा मैप. इट इज़ अ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया. फिर नेक्स्ट है मैप. डिफरेंस. जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लोब एंड अ मैप. Map. It gives a two-dimensional presentation. A map easy to use and is portable. Number 3, it is drawn on a flat surface. Or number 4, shows a distorted views. Globe. It gives three-dimensional presentation. Number 2, presentation of the entire world. Number 3, it is round in shape. Number 4, it shows a less distorted view. जी, तो क्लास 4 आपकी सोशल स्टडी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है. उम्मीद है कि आप इसे घर में अच्छे से करेंगे. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.